दर्शक वृंद नमस्कार, कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। आइ बातचीत कर जा रहल छियै नारायणी अस्पताल के मिशु डॉक्टर संजय कुमार ठाकुर संग। जौं परसा के बात कयल जाय तऽ परसा में एकटा समय छलै एक किसिम सँ भयावह अवस्था छलै, समुदाय में सेहो कोरोना के संक्रमण देखल गेल छलै। जब प्रदेश दू सरकार जे डाटा देने छै ओहि अनुसार के बात करी तऽ पिछला 7 दिन में एकाएक परसा में कोरोना संक्रमित के संख्या घटि गेलै। 7 दिन के डाटा देखल जाय तऽ 20 गते सँ 25 गते धरि में सिर्फ 63 गोटे, कुल मिलाकर 63 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेलै, जबकि एहि अवधि में ओतय 1060 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै। जौं भाद्र के पहिल सप्ताह के बात करी, 2 गते सँ 7 गते के भीतर के बात करी तऽ 1084 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेलै आ ताहिमे 646 गोटे कोरोना संक्रमित देखल गेल छलै। मतलब आधा सँ बेसी व्यक्ति ओहि समय में कोरोना संक्रमित भेटे छलै, जबकि अखन के अवस्था के बात करी तऽ बहुत घटि गेल छै। कहियो 1 गोटे, कहियो 10 गोटे, कहियो 15 गोटे, मतलब 2 डिजिट के फिगर में अखन चलि आयल छै। लेकिन एहिसँ पहिले कहियो 100, कहियो 125, कहियो 150 एहन किस्म के आंकड़ा छलै। किछे दिन पहिले ओतुका मेयर सहित के समाजसेवी सब इहो कहने रहे से परसा के बीरगंज के ग्रीन जोन में लऽ जेबै, कतौ ने कतौ ग्रीन जोन में जा रहल छै, ई देखल जा रहल छै जे हिसाब से आंकड़ा आबि रहल छै। एहि विषय में चर्चा करय जा रहल छी कि ओतय केहन किस्म के काज कयल गेलै, केहन किस्म सँ रोकथाम के प्रयास कयल गेलै कि सफलता हासिल भऽ रहल छै। अखन डॉक्टर संजय कुमार ठाकुर जुड़ल छै मेसु नारायणी अस्पताल के। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत करै छी। जी नमस्कार, धन्यवाद। जे हिसाब से अपने के आंकड़ा के बात कलिए तऽ पिछला 7 दिन के बात करी तऽ एकाएक घटि गेलै, डबल डिजिट में आब चलि अयलै, पहिले ट्रिपल डिजिट में रहै तऽ आब घटि गेलै। एकटा समय छलै ओहि जब भयावह अवस्था छलै, तऽ अपने की कहबै केहन किस्म के स्ट्रैटेजी अपनाओल गेलै, जेनाकि ओहि जे प्रमुख जिलाधिकारी के सेहो नया आनल गेलै, अपने सेहो एलियै एहि समय में एलियै, तऽ की कयल गेलै अहाँ सबसँ जे एकटा जे हिसाबसँ ग्रीन जोन में लऽ जेबै जे इच्छा रहै ओ लक्ष्य दिस आगा बढ़ि रहल छी? बहुत उत्साहित छी हमसब, बहुत प्रसन्न छी। हमर अयला 3 हफ्ता भेल, सीडीओ साहब भी शायद 4 हफ्ता से पहिने कुछ दिन पहिने आयल रहा, हमरा से कुछ दिन पहिने आयल। एहिठाम DCCMC के जे लोग सब छथिन, कर्नल छथिन, SP साहब छथिन, हम सब छी, आ तकर बाद में पोलिटिकल एकटा कमिटी छै, ओहिमे अहाँके सराबगी जी छथिन, ओ मेयर छथिन, जेकि हुनका अपनो भऽ गेल रहै, हमरा परिवार मे सबके भऽ गेल रहै, हुनकर ससुर फादर सेहो डेथ कर गेलखिन। तकरा बाद में अपने के एहिठाम के जतेक भी नागरिक समाज, अगुआ, नेतागण, हरेक पार्टी, हम तहिया से एलियै तहिया से ई देख रहल छियै एतेक एक्टिव छथिन ई सब, एतेक प्रोएक्टिव छथिन, एतेक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग छै, हमरा बुझाइए सबके सामूहिक प्रयास से ई सफल भऽ रहल छै। अखन ओना लम्बा सांस लेबऽ के जरूरी छै, अभी भी मतलब रिस्क पूरा हटल नहीं छै, लेकिन ट्रेंड जे देख रहल छी ओहि हिसाब से इनकरेजमेंट छै, उत्साहित छी हमसब। लेकिन एहिमे कोनो एक आदमी के मात्रे जस अथवा अपजस के बात नहीं छै, सामूहिक प्रयास बहुत ज्यादा भेलै, सामूहिक प्रयास देखल गेलै ई 15-20 दिन के बात करी तऽ एकटा अठोट लेल गेलै सब गोटे सँ, चाहे CDO साहब हुए, चाहे नगर प्रमुख हुए, या समाज सेवी हुए, चाहे डॉक्टर साहब सब हुए, स्थानीय वासी सबसँ। जी, ओहिमे CDO साहब के ऑफ कोर्स लीडरशिप बहुत बढ़िया छै, हुनकर बहुत नीक छै, बहुत अंडरस्टैंडिंग छथिन, हरेक चीज के बहुत पॉजिटिव लै छथिन, हमसब टेक्निकल उनप्रिटी छी तऽ एकदम बिना कोनो झिझक सीधे अडॉप्ट करै छथिन, बिना कोनो किछो कयला से, तऽ इहे होइ छै लीडरशिप। मेयर साहब सेहो बहुत पॉजिटिव माइंडेड, पॉलिटिकल आदमी में अतेक पॉजिटिवनेस बोली से मात्र हम देखै छलियै सब जगह, लेकिन एक्शन में भी आके जे कि अपने सफर छथिन, अपने मरि के बचलखिन, हुनकर फादर इन लॉ मरि गेलखिन, तैयो हुनका एक्टिवनेस में कमी नहि छै। तऽ ई सामूहिक प्रयास छै, ओहिमे नेतागण सब भी, सामाजिक अभियंता सब, अहाँके पत्रकार सब भी बहुत उल्लेखनीय लोक सब छथिन जे कि उल्लेखनीय काज केलखिन,
सो सीडीओ साहब के नेतागण के डीसीसीएमसी के सब के सामूहिक प्रयास से संभव आब एक कलेक्टिव इफोर्ट लगल ना कोरोना रोकथाम में वही दिशा अहम सब आगा बढ़लिए आ कतौ न कतौ एक ग्रीन जोन में जा रहा है प्रसाद से देखल जा रहा है जे हिसाब से आंकड़ा आबि रहा है पिछला समय में कैला कि यह 15-20 दिन में सब चेंज भेले जे नेतृत्वकर्ता सब छथि ओ सब चेंज भेले मेयर साहब खुद संक्रमित छलथि लेकिन ओहो एला के बाद ओमे लागल अवस्था छै ने तो की कयल गेलै वास्तव में जैसे कि आउट ठाम में सेहो एकटा उदाहरण बने से ई करक चाही तो अहाँ सब जे की केलिए जैसे कि ई एकटा सफलता हासिल भ रहल छै एहिठाम मेन किछु स्ट्रेटजी अहाँके एकटा फिक्स स्ट्रेटजी लऽ कऽ जेबै तऽ लड़ाइमे स्ट्रेटजी चेंज होइत रहै छै इहो एगो लड़ाइ छै तऽ लड़ाइमे दुश्मन छै ओकरा एकदम क्लोजली मॉनिटर करऽ पड़ै छै ट्रेंड सबके देखऽ पड़ै छै आओर ओकरा टाइमली अहाँके एड्रेस करऽ पड़ै छै बेसिकली इहे स्ट्रेटजी छै टाइमली अहाँ एड्रेस नहि करबै तऽ कतबो बढ़िआँ प्लानिंग जे छै फेल भऽ जाइ छै प्लानिंग तऽ बहुत छै आओर वही प्लानिंग जे पुरानके प्लानिंगमे किछु मॉडिफिकेशन चाही स्ट्रेटजीमे उहे सब केलिए कोनो खास नया किछु तऽ उल्लेखनीय रूप से नहीं भेले लेकिन वही सब चीज के टाइमली जे अहाँ इम्प्लीमेंट करबै एग्जीक्यूट करबै तो उहे भेले हमरा जेना बुझाइए कथी ला तो हम 3 हफ्ता पहले अयली ओहिसँ पहिने बहुत भय अबैत रहै हम आबक अवस्था नहि रहै हमके मेसू चलि गेलै सब हड़ताल भऽ गेलै तऽ सबके मन में अतेक डर त्रास रहै हमहूँ सब काठमांडूमे सुनिए तऽ बाप रे बीरगंज एना छै ओना छै दू नम्बर प्रदेशेमे एना छै बहुत भयावह स्थिति रहै तऽ कथी ला भेलै तऽ अहाँके ओकरो कारण छै लॉकडाउन से पहिने लॉकडाउन भेलाके बादमे बीरगंजमे ओतेक खास नहि रहै लॉकडाउन जब खुजल गेलै तऽ एहिठामके लोक सब कनी कमर्शियली एक्टिव जोन से इंडस्ट्रियलाइजेशन से एहिठाम सब माइग्रेंट वर्कर सब अबै छै इंडिया से अबै छै एहिठामके दैनिक जीवन यापन बाजार एमहर ओमहर सब अक्रॉस द बॉर्डरे होइ छै तऽ लोक सब की बुझलकै एकदम रिलैक्स भऽ गेलै ओहि समयमे तऽ हिनका सबके ई ख्याल नहि रहलै कि रोग अभी नहि गेलै रोग एहिठाम छै ओमे इंडिया रक्सौल जाके मार्केटिंग केनाइ दिनचर्या केनाइ सब चीज घुल मिल गेनाइ एकदम ज्यादा बढ़ गेलै ओहिके चलते अतेक न बढ़ गेलै ज्यादा कि रेड जोन में चलि गेलै बहुत केस आबऽ लगलै बहुत सफर होबऽ लगलै ताहिमे स्ट्रेटजी इहे भेलै कि एनी हाउ लॉकडाउन तऽ भइए गेलै कि एनी हाउ बॉर्डर के कंट्रोल करै सबसे ज्यादा इम्फेसिस बॉर्डर पर देल गेलै तऽ बॉर्डर के जखने कंट्रोल भऽ गेलै आ भीतर जे छै से पुलिस के आ आर्मी के बहुत उल्लेखनीय काम भेलै प्रशासन बहुत उल्लेखनीय काम केलकै अलोंग विथ नगरपालिका आ नगरपालिका से भी ज्यादा नगरपालिका बीच में तब मेयर साहब जब इन्फेक्टेड भऽ गेलखिन तब तो बहुत पड़लाई जगह भऽ गेलै लोको सब ओहिठाम के हेल्थ वर्कर सब ओतेक पैसिव भऽ गेलै लेकिन ओकरा टेक ओवर केलकै पुलिस सब की केलकै अपन आर्मी सब अपन अपन ड्यूटी बांट लेलकै सीडीओ साहब के नया नेतृत्व एलै ओहो बहुत पॉजिटिव माइंड के हमहूँ अयली तऽ हमहूँ प्रोएक्टिवनेस अपना में अय तऽ हमहूँ स्ट्रेटजी सब देलियै ओहो सब एकदम एक्सेप्ट केलखिन कऽ रहल छथिन अखनो तक तऽ अहाँके पुलिस की केलकै नगरपालिका के मेन कंसंट्रेट एरिया नगरपालिके रहे गाँव सब ओतेक नहि रहे लेकिन जतेक रहे नगरपालिके रहे तऽ जभिये देखलकै नगरपालिका में लड़खड़ा रहल छै कला लीडरशिप इन्फेक्टेड भऽ गेलै काठमांडू चलि गेलै एहिठाम के अहाँके कथी कहै छै हेल्थ वर्कर सब सब मतलब कोनो इन्फेक्टेड हो गेलै कोनो पैसिव भऽ गेलै कोनो की भऽ गेलै बहुत चीज भऽ गेलै तऽ ओ सब ओहि चीज के की केलखिन पुलिस सब अपना हाथ में कंट्रोल में लगल तो जतेक सीआईसीटी जे कहै छै ने कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेशन केस इन्वेस्टिगेशन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम ई टीम सब टेक ओवर केलकै जे आधा अधूरा करल के भेलै से नगरपालिका के स्टाफ केलकै पब्लिक हेल्थ जे जन स्वास्थ्य के स्टाफ सब केलकै लेकिन जहाँ जहाँ रहै ज्यादा फोकस करै के ओहिठाम पुलिस सब करल लगलै तऽ सीआईसीटी अतेक इफेक्टिव भेलै अहाँके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आ केस इन्वेस्टिगेशन सैम्पलिंग आ तब एहिठाम टेस्टिंग के बढ़ाल गेलै एगो मशीन से दू गो कयल गेलै दू गो से एगो जीन एक्सपर्ट राखल गेलै तऽ ओहि हिसाब से एकटा आओरो आबि रहल छै नगरपालिका किन के पैसे देबै आइ काल्हि मे तऽ ई सबसे की भऽ गेलै अहाँके सैंपल कलेक्शन ज्यादा भेलै हाँ सैंपल कलेक्शन जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट सब छै जहाँ जहाँ मेन मेन जगह सब छै ओहिठाम से खूब भेलै कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के एकदमे अतेक इफेक्टिव बनाल गेलै कि देखियौ एगो आदमी के 3-3 ठाम 4-4 ठाम से फोन जाय लेकिन ओहो सब पेशेंट सब तो गुनासो करै कि हमरा सबके डिस्टर्ब एक तो त्रास है उमे चार एहि लेल गेलै कि अतेक एक्टिव भऽ गेलै जन स्वास्थ्यो करै पुलिसो करै आर्मियो करै हेल्थो तो अपने के की लगे जे हिसाब से एकटा जे निर्देशन देलकै या जे हिसाब से मापदंड बनाओल गेल कि ई करक चाही सबके अपन अपन ठाम से काज के लिए से आइ एकरे प्रतिफल आइ ग्रीन जोन में जा रहल छै एहिठाम के नेतागण सब छै ओहू मे कान मिला के जे जे डिसीजन सब भेलै डीसीसीएमसी के जे जे भेलै हरेक पार्टी के आदमी से हरेक पार्टी के नेता से अध्यक्ष से ओहो सब सहयोग केलखिन भरपूर केलखिन एहिठाम के और से और पत्रकारो सब बहुत पत्रकार सब अतेक पॉजिटिवली काम केलकै सोशल वर्कर सब केलकै कोहरेंट भेलै कि एक एगो मल्टीपल सेक्टर के आदमी सब
एकजुट भ के कोहरेंस कहै छै ना जे एकर के अब एकटा प्रश्न एहि बीच में इहो उठाओल जा रहल छै भादो के पहिल वीक के 7 दिन के बात करी त 1084 गोटे के टेस्ट भेल रहै तैमे 646 गोटे संक्रमित भेटल रहै लेकिन भादो के अखन 20-25 के आंकड़ा के बात करी तो 1060 में सिर्फ 63 गोटे संक्रमित भेटल छै ई आंकड़ा हम रहल छी लेकिन एकटा प्रश्न इहो उठ रहल छै कि जब कोरोना पॉजिटिव कम देखा लगे छै ने त ई कहल जाय छै कि नहीं होय जे त टेस्टे नहि होय छै हां कहल जाय छै जेना हम आंकड़ा कह दी अहाँ के कि 25 गोटे में 309 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल रहै 24 गोटे में 329 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल रहै आ पहिलहु जे भादो के फर्स्ट वीक में से वही एवरेज में 200-300-150 ते हिसाब से स्वाब संकलन होय छलै मतलब 200 के एवरेज में होय छलै से एखनो भइए रहल छै त अपने के की लगैय कि टेस्ट जे हिसाब से होवक चाही उ पर्याप्त छै ओहि हिसाब से भ रहल छै हाँ एना छै टेस्ट के संख्या में कम भेलै त कम कैला भेलै से बुझा पड़ै छै अहाँ के हम सब तो पैसिव टेस्टिंग के नीति अपने छै एक्टिव पैसिव एक्टिव टेस्टिंग तो नहीं छै अपने से ज्यादा के मास टेस्टिंग करे के तो नीति नहीं छै गवर्नमेंट के टेस्टिंग केना होइ छै सीआईसीटी होइ छै एगो कोनो केस पॉजिटिव भेल तो ओकर जते भी कांटेक्ट रहल ओकरा टेस्ट भेल छै ओकरा माते टेस्ट कयल जाय छै जी ओही सब के टेस्ट होइ छै त अहाँ के जब ये पॉजिटिव संख्या कम हेतै तो कांटेक्ट कम हेतै तो कांटेक्ट कम हेतै तो टेस्ट कम हेतै सिंपली मैथमेटिक्स से ते बुझा की पड़लै नया केस कम आबि रहल छै तो ओकर कांटेक्ट भी कम भ रहल छै अच्छा नया केस ज्यादा आ रहल छै लेकिन ओकर आइसोलेशन अतेक बढ़िया से व्यवस्थापित भ रहल छै कि दोसर से कांटेक्ट में आबि नहि पा रहल छै तो दोसर से कांटेक्ट में कम आदमी हेतै तो कम में टेस्ट हेतै तो आइसोलेशन के भी जिम्मा ट्रांसपोर्टेशन के भी जिम्मा क्वारंटाइन के भी जिम्मा पूरा मॉनिटरिंग जे छै से पुलिस प्रशासन अपने केलके हेल्थ वर्कर के सहयोग में आ लोकल वर्कर के सहयोग में तो ई नीचा से ऊपर तक अतेक निक से कोऑर्डिनेशन भ रहल छै ओय के चलते अहाँ के पॉजिटिव एबो केले तो दोसर के सारा से पहिने ही ओकरा क्वारंटाइन आइसोलेशन जे करे के होइ छै जे कह देलकै तो ज्यादा आदमी के तो कॉन्टेक्ट में नहीं एलै तो ज्यादा आदमी कॉन्टेक्ट नहीं हेतै तो सीआईसीटी में तो कमे आदमी के टेस्ट हेतै ना आ कम आदमी के टेस्ट तो ओहि में से प्रोपोर्शनो निकालल जाइ छै प्रोपोर्शन में अहाँ देखबै प्रोपोर्शन के हिसाब से देखबै अहाँ तो परसेंटेज ऑफ टेस्ट कतै भेलै अहाँ के पॉजिटिव कतै भेलै मान ले अहाँ कहै छियै 1000 में 60 आदमी भेलै ओहो सब 60 आदमी एहि परसा जिला के नहि छै वीरगंज के जतेक भी परसा जिला के भेलै ई सब परसा जिला के छै तो ओकर अहाँ के 1000 में मान लियो 300 में कतेक के 19 आदमी के 20 आदमी के कै परसेंट भेलै वएह कहि रहल छी टेस्टिंग में एकटा ई आशंका उठै छै लेकिन जहि हिसाबसँ प्रदेश सरकार जे डाटा देने छै तऽ ओ देखल जाय तऽ वएह छै पहिले ओहि हिसाबसँ टेस्टिंग होइ छलै एखनो ओहि अनुसारसँ टेस्टिंग भऽ रहल छै तऽ एकटा ई देखल गेलै कि ग्रीन जोन मे जा रहल छै आब डॉक्टर साहब कहिया तकमे वीरगंजवासी निश्चिन्त भऽ जेतै कि आब कोरोना एहिसँ भागि गेलै कतेक दिन ई हम कहै छलियै एकटा नीति की होइ छै अखन अहाँके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मात्र टेस्ट कयल जाइ छै ओहिके चलते घट रहल छै टेस्ट किया तऽ कॉन्टैक्ट में कम हेतै पॉजिटिव आदमी कम हेतै ओकरा बढ़िआँ से टाइमली आइसोलेशन क्वारंटाइन राखि देबै तऽ बहुत आदमी कॉन्टैक्ट में नहि हेतै तऽ कमे टेस्ट हेतै लेकिन ओहिमे से जतेक टेस्ट होइ छै ओहिमे से कतेक पॉजिटिव होइ छै तऽ देखऽ पड़ै छै ट्रेंड एनालिसिस करऽ पड़ै छै तऽ पहिने ज्यादा अबै छलै प्रोपोर्शन पॉजिटिव अखन कम अबै छै जब 5%-6% से नीचा आबै छै टेस्टिंग के पॉजिटिव तऽ ओहिमे की कयल जाइ छै तब जाकऽ पूरा कंट्रोल करे के कहियो ना एकटा कंटेन करे के लेल पूल टेस्टिंग कहै छै ओ पूल टेस्टिंग करे के स्ट्रेटजी लाओ पड़ै अखन जे छै से सीआईसीटी के टेस्टिंग होइ छै बाद में पूल टेस्टिंग किया बाकी रहल पहल तो नहीं छै कोनो छूटल नहीं तो छै कोनो पॉकेट नहीं तो छै हॉट एरिया नहीं तो छै तो ओकरा लेल अहाँ के जते केस सब अबै छै 5% से नीचे यदि केस आवे लगलै तो कंसंट्रेटेड एरिया में ओहि ठाम में अहाँ के होम टू होम करबै लेकिन होम टू होम मास टेस्टिंग नहीं करबै इहो बात एकटा उठल रहै कि एक घर एक टेस्टिंग के बात तैयार रहै ओहो कैल सेहो बात भेल रहै ओहिमे कोनो आगा बढ़लै नहि मेयर साहब के प्लान रहै तऽ हमसब मीटिंग के लिए हालांकि अखनो वही पर अड़ल छथिन लेकिन समस्या की होइ छै अहाँके होम टू होम टेस्टिंग कोन बेर करी से बात होइ छै एक टेस्ट एक घर टेस्ट ओ करबै ना तऽ अहाँके फायदा कम आ लागत ज्यादा लागत ई WHO की कहने छै अच्छा हमर सब मंत्रालय के आप पॉलिसी की छै त अहाँके पूल टेस्टिंग वन में होइ छै त हम सब हुनका कन्विंस कर रहल छी हालांकि ओ अखन अब अथी में बैसल छथि श्राद्ध के में बैसल छथि आइ हुनकर लास्ट डे छै वही एक्टिवली तो हुनकर आइडिया अभी भी वही छै कि मास टेस्टिंग करी होम टू होम टेस्टिंग करी लेकिन ओ आइडिया अब ओ शुरू में अवस्था में फेज वन फेज टू के जो महामारी होइ छै ना कम केस रहल ओहि समय में लोग कंटेन करे के ओ नीति लबै छै ओ नीति आब जब अहाँके सोसाइटी में जे ट्रांसमिशन भऽ जाइ छै अथवा ह्यूज स्केल में ट्रांसमिशन भऽ जाइ छै ओहि कयला से फायदा नहि होइ छै ओकरा अहाँ मैनेज नहि कऽ सकै छी
जे सब संक्रमित छे हुनका सबके एक किसिम से एकटा समस्या देखल गेले बीरगंज में कि राखे के ठाउ नै छलै आइसोलेशन वार्ड्स के अभाव देखल गेले अखन सब चीज व्यवस्थित भ गेलै नै नै को अभाव तहिया रहल हेतै जहिया से हम एलियै तहिया से अभाव नै छै देखियौ एहिठाम अयलाक बाद बहुत स्टडी सब काम भेलै आ पुल टेस्टिंग के हम कहै छलियै अहाँ नै बुझियौ बात पुल टेस्टिंग की होइ छै जब 5% से लो इन्फेक्शन रेट होइ छै ने मतलब पॉजिटिव रेट तब अहाँ पुल टेस्ट करियौ सब के डोर टू डोर जगह मास्क करियौ लेकिन सबके एगो मिला के ओतेक परसेंट के अहाँ टेस्ट करियौ जे पॉजिटिव अबै छै जे घर में तब मात्र ओकरा करियौ नेगेटिव जे घर में अबै छै ओकरा नै करियौ तो बाद में अहाँ के इराडिकेट करै के लेल कहू कंटेन करै के लेल ओ स्ट्रेटजी एतै बाद में ओ हम सब सजेस्ट करियौ अखन किछु अहाँ जे आइसोलेशन के बात पुछलियै तो हमरा अयला के बाद में ओहिसे पहिने ही दूटा हॉस्पिटल छलै डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल प्राइवेट दूटा हॉस्पिटल के बनायल गेल छलै बीरगंज हेल्थ केयर आ गंडक हॉस्पिटल ओहिमे भरम भराएल छलै हमहूँ अयली तऽ बहुत भरम भराएल छलै क्रिटिकलो केस सब छलै बहुत आदमी मरबो कैलै बहुत आदमी आब अखन समस्या की छै 5-4 हॉस्पिटल कोविड के बना देल गेल छै आ एकटा नया हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल बनायल छै लेकिन जनरल हॉस्पिटल में शुरू में आइसोलेशन ऑब्जर्वेशन जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहि अबै छै तब तक ओहिमे राखल जाइ छै टेस्टो रिपोर्ट पहिने 5-7 में अबै छलै हँ तकरा बाद में आइसोलेशन होइ छलै ओहो के चलते ज्यादा ट्रांसमिशन होइ छलै हम सब टेस्ट के रिजल्ट के जे 2 दिन नहि चाही एके दिन में चलै हरेक दिन रात में हम सब पठा दै छी सबके सुरक्षाकर्मी के चाहे सबके उहे सब जिम्मा लेने छै जब ये पॉजिटिव देखै छै जतेक आदमी कहाँ कहाँ छै ओकरा टेस्टिंग कर लै छै फोन कर लै छै ओकरा कॉन्टैक्ट में जे छै सबके टेस्ट काल्हि कऽ दै छै तऽ एक दिन में यदि टेस्ट के रिपोर्ट चलि अयलै अहाँ के तऽ की भऽ गेलै अहाँ आइसोलेट बीरगंज में पीसीआर टेस्ट के रिपोर्ट एक दिन में देल जा रहल छै हरेक दिन 11 बजे राति में हरेक दिन 10-11 बजे राति में हरेक दिन टेस्ट जतेक भी होइ छै ओहि दिन स्वाब कलेक्शन भेलै ओहि दिन रिजल्ट आबि रहल छै तऽ ओकर फायदा भेलै कि अहाँ के पहिने तऽ ओहि दिन नहि होइ छलै एकटा रहै छलै 24 घंटा नहि चलै छलै 1-2 शिफ्ट चललक तऽ 4-5 दिन लागि जाइ छलै रिपोर्ट आबऽ मे आब की भऽ गेलै एके दिन मे रिपोर्ट चलि अयलै तऽ अहाँके तुरंते अहाँ ओकरा आइसोलेट कऽ देलियै दोसर से कॉन्टेक्ट नहि हो पयलै तऽ दोसर से नहि हो पयलै तऽ डिजीज ट्रांसमिशन नहि भेलै फायदा फिर तो कहीं तो ग्रीन जोन के रास्ता में आगा बढ़ गए एक बात है एक सकारात्मक बात है दोसर दिस लॉकडाउन वो तो जारी है निषेधाज्ञा जारी है लेकिन जे हिसाब से बाजार खोलल गेल छे 11 बजे से 4 बजे धरि ओना एक समस्या तो है अगर लगातार अगर निषेधाज्ञा कैल जाए तो भुखमरी के समस्या आबि सकै छै तो एहन अवस्था में निषेधाज्ञा किछु सहज केनाइ सेहो आवश्यक छै आब एक दिस अखन ग्रीन जोन में जा रहल छै दोसर दिस बाजार सेहो खुलल छै तऽ अपने के की लगे आब एहि पर दुनू काज हुए खुलबो करे आ कंट्रोलो हुए तऽ एहि दिस कोनो स्ट्रेटजी ओहि दिस हम स्ट्रेटजी एकटा बनेने रहियै ओ पासो भेलै डीसीसीएमसी से हमरे स्ट्रेटजी हमर कर्नल साहब के सबके मिला कऽ एटा एहिठाम के नागरिक समाज से इंट्रैक्शन कऽ कऽ सबसे एगो हमरे जिम्मा देल गेलै कि एकटा स्ट्रेटजी बनाऊ तऽ हम बना के पेश केली ओ सर्वसम्मत से पास भेलै उहे स्ट्रेटजी हम जाके मुख्यमंत्री जी ठाम ओहि दिन हम कहबो केली हुनको सबके देने छियै आओर प्रदेश दू मे हरेक जगह अलाउ कयला से भी हेतै ओ हम स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया से देने छियै हुनका सबके अपने के की लगे बाजार खुलल रहतै तऽ आब फर्क नहि पड़तै से अपने कहि सकै छियै जाहि अनुसार से अहाँ सब आगा बढ़ रहल छी कैला कि इधर देखल गेलै ने शुरू में ओहो जे संक्रमित कम भऽ गेलै लेकिन अचानक समुदाय में फैल गेलै ई तऽ देखल गेलै हँ तऽ आब ओहि चीज के डर नहि छै बीरगंज से कहि सकै छियै आइसोलेशन के लेल हमसब व्यवस्था कर देने छी कैला तऽ आब जे लॉकडाउन हमसब खोलि रहल छी हमरे स्ट्रेटजी से सीडीओ साहब सब मिलके केलियै लॉकडाउन जे छै से ऑलमोस्ट एहिठाम आइ से तक करीब 11-4 बजे तक खुलिये रहल छै ओहिसे पहिने अल्टरनेट डे मे खुलै छलै मार्केट लेकिन हमसब की करै छी एट द सेम टाइम बॉर्डर के अहाँ कंट्रोल करू बॉर्डर के कंट्रोल नहि करबै आ लॉकडाउन सीधे खोलि देबै तऽ ओहिठाम से भवार्ती चलि अयतै फेर अहाँके कंडीशन होने के तेहने ओहूसे ज्यादा वर्स हो जायत तऽ ओ सिस्टम बढ़ल छै अहाँके बॉर्डर के एकदम रेगुलेट कयल गेल छै ओहिठाम बिना टेस्टिंग के नहि आबऽ दै छै लैटरल एंट्री जे छओ से अबै छलै गाँव गाँव से ओहू में पेट्रोलिंग कयल जा रहल छै ओहिठाम के लोकल नेता सब से कर्मी सुरक्षा कर्मी से पेट्रोलिंग भऽ रहल छै लैटरल एंट्री भी नहि भऽ रहल छै आ मेन नाका से भी कंट्रोल वे में भऽ रहल छै तऽ जब तक नाका अहाँके कंट्रोल नहि हैत इंटरनली अहाँ कतबो लॉकडाउन करबै तऽ ओ नहि हैत तऽ ओहिठाम मेन स्ट्रेटजी छै एकटा अहाँके नाका के सुरक्षित केनाइ जरूरी छै तकरा बाद भीतर जे छै पहिने से अवचेत लै ओहिठाम के आदमी सब चेतऽ पड़तै इंडिविजुअल लेवल में ई बात बुझऽ पड़तै एहिठाम सब की कहने छी 5 से कम आदमी मात्र चल सकै छी ओहो डिस्टेंस मेंटेन करके चल सकै छी एक दोसर से घुलमी नहि हो सकै छी ग्रुप में नहि जा सकै छी भोज भोजन नहि कर सकै छी आ हरदम मास्क लगाबे पड़त अहाँके सैनिटाइज करे पड़त मास्क नहि लगेबै तऽ अहाँके फाइन हेतै फाइनो भऽ रहल छै आ तऽ ई हिसाब से आज जे बाजार खुलि रहल छै एहिठाम के बेरोजगारी भुखमरी के चलते जे आइडिया रहै
उद्योग कर्मी सबके, तो उनको सब कहल गेल छै अहाँ लेबर फोर्स लाउ लेकिन ओकरा क्वारंटाइन मे राखू, अहाँ सुरक्षित क्वारंटाइन मे राखू लेकिन ओकरा टेस्ट करबियौ, टेस्ट से तऽ ओकरा आइसोलेशन मे राखे पड़तै। आइसोलेशन मे 5 टा हॉस्पिटल सब टोक देल गेल छै 4टा, ओ सब मे अहाँके सब चीज होइ छै कोरोना के, पर ओकरा सबके पेशेंट नहि छै चलते बंद भरल छै। पर हमरा सब कहै छै कि 8 टा जिला से सब एहिठाम मंगा दिए कोरोना पेशेंट, कहूँ उपचार नहि छै तऽ हमसब उपचार करबै, हमसब ऑपरेशन करबै, आशा राम से लेके बाबा हॉस्पिटल से लेके गंडक से लेके बिगन हेल्थ केयर सब करै छै। आ हम सब जेना हॉस्पिटल चलै छी, आइसोलेशन बेड के कोनो कमी छै, आइसोलेशन बेड हटा रहल छी, बेड नहि भेला के चलते, मतलब पेशेंट नहि भेला के चलते, लेकिन होम आइसोलेशन के रेगुलराइज कयल गेलै, ओकरा मॉनिटर कयल गेलै सुरक्षा कर्मी से। आ एहिठाम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन बहुत बढ़िया चल रहल छै, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत बढ़िया से चल रहल छै, बॉर्डर रेगुलेशन बहुत बढ़िया से भऽ रहल छै। तऽ ई भऽ गेल अहाँके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मे। क्यूरेटिव एस्पेक्ट मे आब जे छै अहाँ जे कहली छै लॉकडाउन खुलि रहल छै, वास्तव मे खुलि रहल छै, आ पर्व त्यौहार सेहो आबि रहल छै, आब दसैं त्यौहार हेतै तऽ अहाँके भऽ सकै छै पहिनो सही भयावक स्थिति आबि सकै छै, नहि आबि सकै छै बात नहि, अलर्ट अखन सही है, खतरा टललै नहि, लेकिन ई डिपेंड करै छै गवर्नमेंट के स्ट्रेटजी अपना हिसाब से चलबे करतै, लेकिन पब्लिक पर डिपेंड करै छै अहाँ अपना पब्लिक कतेक मान रहल छै बात, अहाँ यदि कतेक मान रहल छै जे हिसाब से मान लो एक किस्म से लॉकडाउन जी, अहाँके अपन स्वास्थ्य के अपन जान के तो सुरक्षा खुद करब पड़त नहीं यो, अहाँके गार्जियन गवर्नमेंट के तो अहाँके देते सुरक्षा, लेकिन अहाँ हाथ नहीं धोबै, मास्क नहीं लगेबै, ग्रुप में चलबै, भोज भतर करबै, बात नहीं कीटाणु तो छै, एक से हजार बढ़े छै, कीटाणु के नेचर ही है छै, आ लक्षण नहीं छै तो किछो नहीं छै, र्यूमर छै से सब बहुत आदमी कहै छै, ई बात नहीं छै, के मरतै के बचतै ओ अहाँके तो पता नहीं चलत, ई तो केकरा में भीतर में इम्यूनिटी कतेक छै ओहि पर। डॉक्टर साहब एकटा नया चीज के सेहो शुरुआत भेलै प्रदेश 2 में पहिल बेर बीरगंज में प्लाज्मा थेरेपी सँ इलाज कयल गेलै कोरोना संक्रमित के। सबसे पहले डॉक्टर साहब ई प्लाज्मा थेरेपी की छै, ओना नेपाल के विभिन्न ठाव में भ रहल छै लेकिन बीरगंज प्रदेश 2 के पहिल बेर बीरगंज में शुरू भेलै, आओर ठाव में अखन तक शुरू नहि भेल छै प्रदेश 2 में, तऽ प्लाज्मा थेरेपी की छै, एहिमे केना कऽ इलाज कयल जाइ छै से कनी कहि दिअ। ठीक छै, हम अहाँके टोटल कह दै छी, हमर स्ट्रेटजी अनुसार यदि एहिठाम मानलखिन ओहो सब अपन स्ट्रेटजी लगेलखिन, मेनली 2 टा चीज छै अहाँके, एकटा छै प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भेलै जेकि ये क्वारंटाइन बॉर्डर सील एना ओना माइग्रेशन मूवमेंट ई सबके चेक केनाइ, चेक एंड बैलेंस करके मार्केट खोलनाइ, पब्लिको के अवेयरनेस केनाइ, एकटा ई पार्ट भेलै, टेस्टिंग केनाइ, टेस्टिंग रिपोर्ट टाइमली एनाइ, ई सब भेलै एकटा पार्ट। तकर बादमे अहाँके एकटा सर्विलेंस सिस्टम एहिठाम व्यवस्था करू, ओ ट्रैक करतै ट्रेस करतै कहाँ हॉटस्पॉट बनि रहल छै, कहाँ कोनो कोनो जगह अभी भी हेतै कंसंट्रेट एरिया में दोसर जगह नहीं जाए नहीं फैले, वो स्टेडियम हम तो बना रहल छिए, फुल टेस्टिंग करे के बाद ही सब आके भ गेलै, आइसोलेशन मैनेजमेंट करना ही सब भ गेलै आके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, सॉरी क्यूरेटिव एस्पेक्ट की भेलै आके, जते कोविड हॉस्पिटल आ नॉन कोविड हॉस्पिटल, नॉन कोविड हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल भेलै ओहिमे से जनरल सर्विस दै पड़तै ने तऽ लोग मरि जेतै, डायबिटीज हाइपरटेंशन ई सबसे मरि रहल छै तऽ ओकरा भी उपचार केनाइ बहुत जरूरी छै। आ कोविड में जे 5% सीरियस होइ छै ओकरा बढ़िया से अहाँ मैनेज कर देबै तऽ डेथ रेट कम भऽ जेतै, तऽ डेथ रेट कम भऽ जेतै तऽ इन्फेक्शन होबो करतै 90% 80% आदमी के, तऽ कोनो फर्क नहि पड़तै, अहाँके इलाज बढ़िया से होइ, ओकरा अहाँके हॉस्पिटल कैपेसिटी के इन्हांस करऽ पड़तै, हॉस्पिटल कैपेसिटी के मजबूत करऽ पड़तै। तो ओहि हिसाब से हम जब एहिठाम एलियै तऽ एके हफ्ता मे हम ई बात हम कहली कि ठीक छै प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मे काम होइते रहतै, क्यूरेटिव एस्पेक्ट मे काम करऽ पड़लै, एहिठाम के नागरिक समाज अगुवा पत्रकार सब आके हमरो भी बहुत री इन्फोर्स केलखिन, कहलखिन की कयल जाए, अपने की सहयोग चाही। तो प्लाज्मा थेरेपी ओहिमे से एकटा से हम जे इनिशिएट केलिए तो ओहिमे की छै अहाँके एकटा प्लाज्मा थेरेपी इनिशिएट केलिए, एकटा रेमडेसिविर, अहाँके रेमडेसिविर इंजेक्शन होइ छै ओ अहाँके गवर्नमेंट सेक्टर मे हमरा नहि बुझाइए कि कतौ सप्लाई छै, आ हमरो ठाम सप्लाई नहि छै, लेकिन हम जब भी नेपाल मे हम देखली कि पहिल टाइम फेसबुक मे देखली कि एटी के ला आनि देलकै, तखनी हम फोन केलिए टीमके मालिक के, प्रभु वैद्य के हमर चिन्हल साथी छथि, हम कहली कि हमरा एहिठाम पठा दिअ तुरन्ते, जबकि पॉलिसियो नहि रहै, आउट ऑफ बॉक्स जाके थिंक केलिए, आउट ऑफ ट्रैक जाके काम केलिए, तो तुरंत हमरा पठा दिया, अखनो हमरा स्टॉक में छै, आओर हॉस्पिटल में नहिए हेतै गवर्नमेंट के हम जनै छियै, लेकिन हमरा स्टॉक में छै, हम दिन के यूज कर रहल छी। तऽ एकटा ई भेलै, दोसर बात मे की भेलै अहाँके हॉस्पिटल के बंद रहै ओकरा खोलाबै के प्रयास भेलै, खोलाबै से पहिने पीपी के टेस्ट व्यवस्था कल, यहाँ तक कि अहाँके एहिठाम महावीर फोन पठा देलखिन सानो पहले के हेल्प से अथी रोबोट से भी अहाँके एकटा से कुछ नहि होइ छै, लेकिन एकटा सिम्बोलिक दवाई पहुँचाबै का सब भेलै तो वो भेले। तकर बाद में हम ऑक्सीजन प्लांट के व्यवस्था करल छी, ऑक्सीजन प्लांट अहाँ भऽ जेतै तऽ केतबो डिजीज सिवियर रहतै, ऑक्सीजन मेन एकर उपचार 2-3 टा छै, अहाँके ऑक्सीजन दियौ, वेंटिलेटर बड़का बड़का वेंटिलेटर कोनो जरूरी नहि छै, छोटका पोर्टेबल वेंटिलेटर नॉन इनवेजिव वेंटिलेटर से ज्यादा पहुँचै छै आदमी, जबकि अहाँके ट्यूब राखि के वेंटिलेटर राखू तऽ ज्यादा मरै छै कोविड में, तकर अखन वेंटिलेटर छै 5-7 हमरो मे छै आओर जगह छै, लेकिन ओ वेंटिलेटर के यूज से ज्यादा
पोर्टेबल वेंटिलेटर के शराबी की कल के हम 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर आगे मंगा दे छी तो मंगा रहल छथिन पुना से एकटा और उ व्यवस्था केलखिन पीसीआर मशीन के ओके चलते आके जल्दी से टेस्ट भ गेलै। तेकर बाद में हम सब व्यवस्था करल छी ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के लेल हम प्लांट के लिए व्यवस्था करे के लेल तो अपने से हमरा जी सर एकटा बात जरा एकटा इहो समस्या देखल गेलै बीरगंज में और जगह सेहो एहन देखल गेलै कि मतलब सब कोविड अस्पताल भेला के बाद की होइ छै कि जे आन रोगी सब छै ने और रोग सब पीड़ित छै तो हुनका सब के समस्या भ रहल छै कि कतौ जाके इलाज कराओ फिर भरना नहीं करे इो समस्या सब देखल गए कई गोटे के मृत्युवरण समेत कर पड़े तो समस्या समाधान भेले हो ता? नहीं समस्या अखन कनिक कनिक है बहुत हद तक समाधान के कोशिश में भ रहा है लेकिन अब ये समस्या है सब पठा दी नारायणी में नारायणी के अखन अवस्था ओतक नहीं है गंडक में कोविड हॉस्पिटल समाधान करे आधा मैन पावर ओहिठाम से हमर सबके कोविड में वो अपन मैन पावर नहीं देने से आधा मैन पावर हम सबके आइसोलेशन में इन्फेक्टेड भक्त बाकी से सब हॉस्पिटल नहीं रखते तो दिक्कत हेतु सब ओहिठाम पठा दी है पेशेंट के केयर नहीं पहुँचे दिक्कत भ जाए एक घटना भेट बीच में घटे हालांकि बहुत सीरियस रहे नेशनल मेडिकल कॉलेज से ओहिठाम पठा दिल्कै लेकिन बात कर रहा है लेकिन एना प्रवृत्ति निक नहीं है तो हम सब सहमति केने गवर्नमेंटों के पॉलिसी है कि जहाँ जे हेल्थ केयर फैसिलिटी देवी पड़ते नहीं देते तो क्या कोविड के रिपोर्ट रहो नहीं रहो से मतलब नहीं है तो रिपोर्ट अबित रहते लाइफ सेविंग प्रोसीजर अगर करे पड़त रिपोर्ट आते तो हिसाब से हाँ रिपोर्ट अबुक नहीं अबुक सब कोविड बनी हो ना सबके यहाँ पीपीई चढ़ा रहे हैं यह समस्या देखल गए पहले भरना कर हिचकिचा जाए तो ओकरा लेल अवेयरनेस क्रिएट भेलै भरना आप कर रहल छी धीरे धीरे सब आदमी कर रहल छी लेकिन अखनो भी बहुत जगह रिडंडेंट छै बहुत डेराई छै तो ओहि के चलते हम वीरगंज में अबते मात्रा में अपना साथे पीपी ले ली बहुत पीपी छै पीपी के कमी नहीं छै आप पीपी लगा के उपचार करे तैयो डॉक्टर से डेराई छै तो हम कहली ओपीडी भी अपना हिसाब से अमेरिकन स्टैंडर्ड के आगे कोविड से बचाव वाला ओपीडी के निर्माण भ रहल छै दू तीन दिन में सब भ जेतै लॉकडाउन खुलते मात्र में ओपीडी शुरू भ जेतै ओहि में आगे पीपी के भी जरूरी नहीं छै डॉक्टर सब नहीं डरते कला तऽ बाहर भीतर के व्यवस्था भेल छै माइक्रोफोन अथी जांचे वाला सिस्टम अतेक नीक छै कि अहाँ आके देखबै कभी जब बनि जेतै तऽ ई नेपाले में हमरा बुझाय नमूना एकटा हेतै गवर्नमेंट सेक्टर में तऽ ई तऽ सोचियो नहि सकै छी से हम प्रोएक्टिव के लिए सबके डिजिटलाइज कर देली हॉस्पिटल सर्विस के कर रहल छियै ओहि में अहाँके ऑनलाइन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लऽ सकै छी घर बैसल ऑनलाइन अहाँके पेमेंट कर सकै छी बैंक से जोड़ देलिए ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन अहाँके डाउनलोड कर सकै छी ऑनलाइन अथी फार्मेसी से दवाई मंगा सकै छी सब चीज ऑनलाइन कर देने छी तऽ एहिसँ अहाँके डिजिटल ट्रांसमिशन नहि भेलै एक बेर आदमी ज्यादा नहि अयलै एक दोसर से घुलमिल नहि भेलै डॉक्टरो सिस्टर सब सुरक्षित भऽ गेलै भीतरो के ज्यादा रोग नहि लगलै तऽ ओ अहाँके शुरू भऽ गेल छै ऑक्सीजन प्लांट के लेल एकटा माननीय कहलखिन कि हम 1.5 करोड़ रुपया देब तऽ ओहोमे प्लान शुरू भऽ रहल छै अहाँके वेंटिलेटर नगर पालिका कहलकै हम देब मतलब मुख्यमंत्री जी से सेहो कहलखिन कि हम एम्बुलेंस आईसीयू सहित के एगो एम्बुलेंस के लिए बजट दै छी आ एकटा कथी कहै छै लाश राखय वाला एकटा स्टोरेज तऽ ओहो किनमे भऽ रहल छै तऽ आब के चैलेंजेस की छै अहाँके लॉकडाउन खोलऽ पड़तै खुलिये रहल छै धीरे धीरे आब एहिठाम तऽ बाजार सुचारू भऽ गेलै अहाँके आब दसैं तिहार आबि रहल छै लोक के प्रवृत्ति छै नहि हेतै तऽ फेर जम्प मारि सकै छै दसैं तिहार के समय में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भऽ सकै छै बहुत ज्यादा डेथ हो सकै छै ओकरा बचाबक लेल 5-7 टा चीज करे पड़तै गवर्नमेंटो लेवल से हमरो सबके लेवल से आ जनतो के लेवल से जनता के लेवल से एतबे करे पड़तै कि एकरा मजाक नहि ठानि कऽ जे 4-5 टा चीज कहल जाइ छै ओ करी हाथ के सैनिटाइज करी बाहर नहि निकली सकबर मास्क लगाबी गैदरिंग नहि करी पूजो त्योहार पर्वो के कनी अकेले मनाई अतेक करनाई बहुत जरूरी छै दोसर बात अहाँके बॉर्डर कंट्रोल करनाई बहुत जरूरी छै अखनो 3-6 महीना 1-2 वर्ष तक बहुत जरूरी छै बिना टेस्ट के अलाउ नहि करक तेसर बात अहाँके एहिठाम के इंटरनल मूवमेंट जे छै ओकरा रेगुलेट करके छै अहाँके सुरक्षाकर्मी कर रहल छै व्यापारी सबके करे पड़तै जे किन बेच करब छै ओकरा डिस्टेंस मेंटेन करा पड़तै ओहिठाम सैनिटाइज करे पड़तै ओहिठाम दूरी मतलब जे जे होइ छै सुरक्षा के उपाय इन्फेक्शन से बचे के लेल सब करे पड़तै तेकरा बाद में अहाँके हॉस्पिटल के स्ट्रेंथन करने पड़ते हॉस्पिटल के अहाँके वीरगंज से लेके जनकपुर से लेके राजबाड़ा तक मेजर हॉस्पिटल करही पड़ते प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सेहो करे पड़ते एहिमे 3-4-5 टा चीज छै ज्यादा चीज नहि छै ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम राखऽ पड़तै एकरा तऽ कोरोना भेला के बाद में 90-80 आदमी तो अपने ठीक भए छलै 5% आदमी के बहुत सीरियस रोग भए छै ओहिमे 2% आदमी के डेथ हो सकै छै ओहोमे खास कर रोग दोसर रोग लागल छै तऽ ओकरा और डेथ हो सकै छै डायबिटीज भेलै प्रेशर भेलै दम भेलै किडनी के रोग भेलै कैंसर भेलै एकरा सबके तऽ और घरे में राखऽ पड़ै छै लेकिन जे यंगो आदमी छै ओकरा भीतर के इम्यूनिटी के स्टेटस की छै हमरा सबके नहि पता रहै छै ओकरा लेल बचे के जरूरी छै बचतो में भी यदि इन्फेक्शन भ गेल आ सीरियस रोग भ गेलै तो ओकरा लेल हरेक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के व्यवस्था होक चाही ऑक्सीजन के प्लांट के व्यवस्था हम सब कर रहल छियै ओहो होबक चाही अहाँके वेंटिलेटर पोर्टेबल वेंटिलेटर नहीं महंगा वेंटिलेटर नहीं पोर्टेबल वेंटिलेटर हो गया जैसे डॉक्टर साहब ये प्लाज्मा के विषय में आप कह देते हैं प्लाज्मा थेरेपी कोई में आए रहा जी रेमडेसिविर कोबक चाहिए प्लाज्मा थेरेपी
तो प्लाज्मा थेरेपी हमरा अयला के दू दिन के बाद हमसे शुरू कर दिलिये। रेड क्रॉस के आदमी सब बहुत पॉजिटिव रहे। एठाम के कुछ नागरिक समाज पत्रकार सब आए कहलकै कि हमरा सबके क्लिनिक कहल जाए। एकटा पत्रकार बहुत सीरियस रहे, ओकरा मरब मरब से बचले बेचारा, ओकरा यंग आदमी रहे, ओकरा एठाम सब व्यवस्था कर देले रही, तैयो बहुत सीरियस रहे। तो काठमांडू पठाबे के भेलै, काठमांडू में कहीं सीट खाली नहीं रहे, काठमांडू कैला पठाबे छै तऽ प्लाज्मा थेरेपी के पठाबे। तो प्लाज्मा थेरेपी के मात्र है, अब सीट नहीं छै पठा देबे रस्ते में मर जेते, तऽ एठाम क्लिनिक शुरू कयल जाए। हम कहलियै ठीक छै कयल जाए। तो कल भर रेड क्रॉस के बदल गए, अपना सबके हम सब रहिए सब गोटा मिलकर कहलिए की से समस्या, तो समस्या तो किस नहीं है, शुरू कल जाए तो कल जाए। तो में कथी चाहिए, किछो नहीं चाहिए। या तो ब्लड डोनेशन होबे करे छे, ब्लड डोनेशन जे इन्फेक्टेड आदमी जे रिकवर भ गेल छे, जे कोविड से दू हफ्ता पहिने नेगेटिव भ गेल छे, आ उ आके डोनेट कर सकै छे। तो ब्लड डोनेट करके तो ब्लड में जे लिक्विड पदार्थ छै ओकरा प्लाज्मा कहै छै। तब रातो रगत सेतो रगत प्लेटलेट हटा के बाकी जे रहल ओकरा प्लाज्मा कहै छै। तो प्लाज्मा में रहै छै कि जे आदमी के इन्फेक्शन भेल रहै छै, वायरस के विरुद्ध में एंटीबॉडी बनने रहै छै, एंटीबॉडी वायरस के मारै छै तब ओ ठीक होइ छै। तो ओ एंटीबॉडी ओकरा में रहै छै बहुत दिन तक। तो ओ एंटीबॉडी ओकरा में से निकाल के दोसर के शरीर में यदि डाल देल जाए अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज, डिजीज से शुरुआत अवस्था में हाल देल जाए, तो वायरस ज्यादा नहीं मल्टीप्लाई करते। तो वायरस के मतलब जे नया नया मतलब संक्रमण से तत्काल मुक्त भेल छै तो हुन ब्लड उपयोगी भ सकै छै प्लाज्मा थेरेपी के लिए। प्लाज्मा थेरेपी कहै छै, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी एकटा माध्यम छै। ई रामबाण खाली संजीवनी बूटी नहीं छै कि सबके देबे सब ठीक होतै। ओहू में अहाँके कतेक के ठीक होइ छै, कतेक कंडीशन देखे पड़ै छै, कोन कंडीशन में प्लाज्मा थेरेपी उपयुक्त छै, कोन कंडीशन में रेमडेसिविर उपयुक्त छै, कोन कंडीशन में ऑक्सीजन देबै, कोन कंडीशन अदर दवाई देबै, ओ डॉक्टर के पता छै। अर्ली कोर्स बिरगन वाखन धर कतेक गोटे पर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कयल गेल, दू तीन आदमी पर भेलै, लेकिन पहिल प्लाज्मा थेरेपी जगह पर देल गेलै ओ ओतेक काम नहि केलकै, एक्सपायर होल गेलै। तो ओकरा प्लाज्मा थेरेपी केहन आदमी देल जाइ छै, हम कहै छी अहाँके अर्ली में देल जाइ छै। ओ बहुत डिजीज सीरियस रहै, सरलाही के आदमी रहै, ओकरा में वेंटिलेटर राखे के अवस्था रहै आ सीरियस रोग रहै। तो प्लाज्मा थेरेपी में यदि सीरियस रोग छै आ तब देबै तऽ काम नहि चलत, वेंटिलेटर में राखल आदमी के देबै तऽ काम नहि करत। आ जेकरा में अंग और अंग सब फेल भ गेल छै, किडनी में असर भ गेल छै और दोसर अंग सब असर भ गेल छै, ओकरा में देबै तऽ काज नहि करत। ओहि समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन काम करै छै। तो पेशेंट सिलेक्शनो केनाइ बहुत जरूरी छै, कोन पेशेंट के कोन ट्रीटमेंट देबै या कोन पेशेंट के सब ट्रीटमेंट देबै, तो ओहि पर अहाँके इफेक्टिवनेस होइ छै। लेकिन और पेशेंट सब इफेक्टिव छै, नेपाल में और सब पूर्ण जगह इफेक्टिव छै। तऽ हम जहिया शुरू केलियै, हम तऽ एके दू दिन में शुरू केलियै, अयलाके बाद में सात दिन में तऽ सात आठ सात चीज हम बदलने रहियै, तऽ ओहो सबसे इम्प्रूव भेलै। अहाँके टीचिंग में होइ, धरान में होइ आ बुटोल मात्र होइ, तब हमसब एहिठाम केलियै। अखन तऽ धीरे धीरे सब जगह हो रहल छै, प्रायः सब होनाइयो चाही, लेकिन ओ रामबान मात्र छै, ओहे देला से सब भऽ जेतै से बात। लेकिन ओहो एगो कम्पोनेंट छै ट्रीटमेंट के। जहाँ जहाँ ब्लड बैंक छै, बहुत दिन कहलियै जनकपुर मे ब्लड बैंक छै, रेड क्रॉस छै, ओहिठाम अहाँ ब्लड डोनेशन करवा सकै छी। ओहन इन्फेक्टेड आदमी दू हफ्ता के बाद, निगेटिव भेला के दू हफ्ता के बाद में ओ आदमी सब डोनेट कर सकै छै। एक आदमी से तीन आदमी के प्लाज्मा थेरेपी देल जा सकै छै, बहुत आदमी के सीरियस रोग लागे से पहिने ही बचायल जा सकै छै। आब वाले नया एकटा कंट्रोवर्सी की छै, भखर ही जो काल ICMR का के इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च कथी छै, ओ एकटा बॉडी छै, ओ सब एगो रिसर्च केलकै, ओ कहलकै प्लाज्मा थेरेपी ओतेक फ्रूटफुल नहि छै, लेकिन ओ एकटा स्टडी छै। लेकिन विश्वव्यापी जतेक स्टडी छै सब में कहल गेल छै प्लाज्मा थेरेपी देला से अर्ली डिजीज में अहाँके सीवियर होबय से बचबै छै, वेंटिलेटर पर जाय से बचबै छै, अहाँके डेथ रेट बचबै छै, वायरस के जल्दी क्लियर कर दै छै शरीर से। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट छै। कुछ स्टडी में कंट्रोवर्सी रहबे करै छै, एकर मतलब ई आउटडेटेड भऽ गेलै सेहो नहि छै। कुछ स्टडी में भेला से नहि होइ छै, विश्वव्यापी चाइना में यूज भऽ रहल छै, अमेरिका में यूज भऽ रहल छै, यूके में यूज भऽ रहल छै, अहाँके इंडिया से शुरू भेल रहै दिल्ली से ही। तो ई अहाँके इफेक्टिव छै, लेकिन सिलेक्शन अहाँके पेशेंट के सिलेक्शन के ध्यान में राखब, कोन पेशेंट में एकरा यूज करबै तऽ बढ़िया हेतै, कोन में करबै तकर कोनो असर नहि हेतै, खराब तऽ एहिमे कोनो साइड इफेक्ट छैहे नहि। आप रहे रेमडेसिविर एकटा इंजेक्शन छै, ओहो बढ़िया छै, लेकिन ओहो रामबान नहि छै। अहाँके डिजीज के अवस्था देखे मोडरेट टू सीवियर डिजीज देबे पड़ै छै। ओहिके लेल हरेक हॉस्पिटल के आप तैयार रहे पड़तै, जिला लेके ओहिठाम रेफरल सिस्टम के आप मतलबे नहि छै, कोविड के रेफरल कहीं करे के जरूरी नहि छै। कहला सब उपचार जिला अस्पताल में कर सकै छी, आप PHC में भी कर सकै छी। कहला तऽ एकटा ऑक्सीजन के सप्लाई करे के छै, पोर्टेबल वेंटिलेटर अहाँके नेसेसिया, कोनो भी नेसेसिया नहि चाही। अहाँके हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर केओ चला सकै छै, तऽ ऑक्सीजन चाही, वेंटिलेटर चाहिए, कुछ दवाई चाहिए, प्लाज्मा थेरेपी के व्यवस्था अहाँके रेड क्रॉस है तो ओहिठाम करू, नहि तऽ एहिठाम हमसब प्लाज्मा बैंक बना देने छियै, डोनेशन छै ओहूठाम से सप्लाई भऽ सकै छै। तऽ रीजन अरू में जनकपुर राजबिहार सब जगह मेजर लहान जगह में भी जी डॉक्टर साहब, आब अंत अंत दिशियो चलि आयल छी, आब अंत में सरकार सँ अपने सबके सहयोग कतेक प्राप्त भऽ रहल छै, केन्द्र सरकार भेलै, प्रदेश सरकार भेलै जी?
सरकारे के सहयोग से काम बढ़ रहा है। लास्ट ईयर भी प्रदेश सरकार से बहुत बजट ऐठा मिले 12-14 करोड़ में खर्चे नहीं कर सकले साफ नहीं एकटा उपराग तो पहले रहै छले ने कि सरकार सहयोग नहीं करै छै जे हिसाब से चाही इक्विपमेंट सब जे हिसाब से मेडिकल सामग्री सब चाही से सब उपलब्ध नहीं करा रहल छै से तो उपराग नहीं नहीं टाइम में देखियो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ग्लोबली छै प्रॉब्लम ग्लोबल विश्व में भी बहुत इसका चाइना तो इसका सिटी रहे अमेरिका में तो इसका सिटी रहे तो टाइम में रेगुलर सप्लाई नहीं होइ छै से बात छै अखनो लेकिन बहुत हद तक सप्लाई के सिस्टम के दिक्कत नहीं छै पैसा के सिस्टम के दिक्कत खाली मैनेजरियल प्रॉब्लम छै अहाँ केना मैनेज करै छी वीरगंज के बात करी तो कोन अवस्था तक के पेशेंट के ओइ जे इलाज संभव छै कि एहनो छै कि ओइ जे फेर रेफर करऽ पड़े तेन अवस्था छै कि ओही जे इलाज संपूर्ण इलाज भ जाय छै अखन कोविड के उहे तो मैं कह छी रेफर कोविड बिरामी के रेफर केनाय ओकरा फायदा नहीं छै कतौ से कतौ रेफर नहीं ओकरा तो वही जे इलाज भेटक छै उहे कह रहल भेट रहल छै कि नहीं भेट रहल छै वेंटिलेटर के छै कि नहीं छै ऑक्सीजन के छै कि नहीं उहे तो हम सब चारटा हॉस्पिटल के कोरोना हॉस्पिटल बना देने छी अपने अंडर में रखने छी गंडक हॉस्पिटल के प्राइवेट हॉस्पिटल लक तो अइ हिसाब से सब किस्म के व्यवस्था आउट हम छै आइए व्यवस्था सब जनकपुर में कयल जा सकै छै रेफर करे के तो बाते नहीं छै रेफर केला अहाँ के बिरामी मिल जेतै रास्ता में ओहूठाम जेतै तो अहाँ के काठमांडू में ज्यादा उपचार कथी हेतै आ बेड नहीं पेतै तो अठाम से ओहिठाम जेतै तो बेकार भ जेतै ओहि के लिए 4-5 चीज कह दियौ हरेक हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन के व्यवस्था कर दियौ वेंटिलेटर के कुछ पोर्टेबल वेंटिलेटर के व्यवस्था कर दियौ दवाई के व्यवस्था कर दियौ अहाँ के प्लाज्मा थेरेपी के व्यवस्था कर दियौ यही सब भ गेलै तैयो नहीं बचलै तब तो काठमांडू नहीं बचतै आइ सब ध्यान दिया पड़लै जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत दर्शक वृंद ओछले डॉक्टर संजय कुमार ठाकुर नारायणी अस्पताल के मेसू आइ हुनका सब बातचीत करै छलिए कि जै हिसाब से परसा के जो बात कयल जाए तो परसा में कोरोना संक्रमित के संख्या घटे लगल है जे भादो के पहिल वीक में जेहन किस्म के अवस्था रहे ओ भयावह अवस्था रहे एक ठीक विपरीत अखन बहुत कम कोरोना संक्रमित सब भेट रहल छै या कही वीरगंज आब ग्रीन जोन में जा रहल छै जे हिसाब के स्ट्रैटेजी अपनाओल गेलै कि ग्रीन जोन में लॉ जाके छै एक महीना के भीतर तो कतौ न कतौ ओही रास्ता में जा रहल छै केहन किस्म के स्ट्रैटेजी अपनाओल गेलै वीरगंज में कि कोरोना संक्रमण या कोरोना से जीत हासिल भ रहल छै ओतय एहि विषय में चर्चा करै छलियै बेस्ता नमस्कार